बाबा साहब को लेकर आरएसएस के महाझूठ की पोल खोल। आरएसएस के हर झूठ पर पुख्ता सबूत की चोट। डॉक्टर अंबेडकर और संघ के फर्जी रिश्तों का पोस्टमार्टम। झूठ की बुनियाद पर खड़े आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर फर्जी खबरें फैलाई हैं। 14 अप्रैल यानी बाबा साहब की जयंती पर खुद को लिबरल कहलाने वाले शेखर गुप्ता के मीडिया वेंचर द प्रिंट पर आरएसएस के अरुण आनंद ने बाबा साहब और आरएसएस के बीच रिश्तों के बारे में अफवाहबाजी की, लेकिन द शूद्र आज आरएसएस के हर झूठ पर सबूत की चोट करेगा और सबूतों के साथ बताएगा कि कैसे आरएसएस का हर दावा सिर्फ और सिर्फ झूठ है। आरएसएस का पहला झूठ। 1952 के पहले आम चुनाव में बाबा साहब की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और भारतीय जनसंघ ने एमपी में प्री पोल अलायंस किया और साथ में चुनाव लड़ा। बाबा साहब ने 1941 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। दलितों को सत्ता में पहुंचाने के मकसद से बनाई गई इस पार्टी का संविधान बाबा साहब ने खुद बनाया। 1952 में होने वाले आम चुनाव के मद्देनजर अक्टूबर 1951 में बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया था, जिसे टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने 3 अक्टूबर 1951 को शेड्यूल कास्ट इमेंसिपेशन ड्राफ्ट मैनिफेस्टो शीर्षक के तहत प्रकाशित भी किया था। इस मैनिफेस्टो में बाबा साहब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और अन्य पार्टियों में सहयोग सेक्शन में साफ साफ लिखते हैं। अन्य राजनीतिक दलों के संबंध में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के रवैये को आसानी से परिभाषित किया जा सकता है। शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन कभी भी हिंदू महासभा और आरएसएस जैसी पार्टियों के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस ऐलान को आप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट नंबर 1 के पेज नंबर 402 पर भी जाकर पढ़ सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने जो बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन उसका मैनिफेस्टो पब्लिश किया, तो उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा है कि हम आरएसएस और हिंदू महासभा ये जो संगठन है इन संगठनों के साथ में कभी भी अलायंस किसी तरह का नहीं करेंगे। ये बाबा साहब अंबेडकर का फर्स्ट 1951-52 के इलेक्शन का जो मैनिफेस्टो है उसमें लिखा है, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया था। यानी जब बाबा साहब ने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा था कि हम आरएसएस और हिंदू महासभा जैसी पार्टियों के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, तो फिर 1952 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और भारतीय जनसंघ साथ मिलकर कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। यानी आरएसएस का ये दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं है। आरएसएस का दूसरा झूठ। बाबा साहब की पार्टी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का भारतीय जनसंघ काफी करीब थे। हिंदू धर्म की बुराइयों को खत्म करने और महिलाओं को बराबरी का हक दिलाने के लिए 17 नवंबर 1947 को बाबा साहब ने बतौर लॉ मिनिस्टर संसद में हिंदू कोड बिल पेश किया, लेकिन बिल को 17 नवंबर 1947 से 9 अप्रैल 1949 तक सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया। 10 सितंबर 1951 को जब हिंदू कोड बिल दोबारा सदन में डिस्कशन के लिए लाया गया, तो उस समय नेहरू कैबिनेट में कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल मिनिस्टर रहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बिल का कड़ा विरोध किया। इंडियन एक्सप्रेस में 1 मई 2009 को प्रकाशित लेख में इंद्र मल्होत्रा लिखते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि हिंदू कोड बिल हिंदू संस्कृति की शानदार बनावट को चकनाचूर कर देगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस और हिंदू महासभा ने हिंदू कोड बिल का जबरदस्त विरोध किया था। आरएसएस ने तो संसद में घुसकर कार्रवाई रोकने तक की कोशिश की थी। 4 जनवरी 1949 को संविधान सभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले संविधान सभा के उपाध्यक्ष डॉक्टर एच सी मुखर्जी ने कहा था, इससे पहले कि हम सदन की कार्यवाही शुरू करें, मैं सदस्यों को बताना चाहता हूं कि कल आरएसएस के लोग परेशान करने के लिए सुरक्षा को तोड़ते हुए लॉबी और गैलरी तक आ गए थे। मैं प्रार्थना करता हूं कि विजिटर्स के लिए पास जारी किए जाएं ताकि हम बिना रुकावट के अपना काम कर सकें।
यानी आरएसएस खुलकर बाबा साहब के हिंदू कोड बिल के खिलाफ था। तो क्या अरुण आनंद ये बता सकते हैं कि अगर बाबा साहब आरएसएस को पसंद करते थे तो आरएसएस उनका इस तरह से जबरदस्त विरोध क्यों कर रहा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी और बाबा साहब अगर एक विचारधारा के थे तो फिर मुखर्जी हिंदू कोड बिल का विरोध क्यों कर रहे थे? हिंदू कोड बिल के विरोध में इस्तीफा देने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 21 अक्टूबर 1951 को भारतीय जनसंघ बनाया, जो आगे चलकर बीजेपी बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राजेंद्र प्रसाद, हिंदू महासभा और आरएसएस जैसे हिंदूवादी संगठनों और लोगों के कारण ही हिंदू कोड बिल पास नहीं हो पाया और बाबा साहब ने दुखी होकर 27 सितंबर को लॉ मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे दिया। ऐसे में क्या बाबा साहब अगले ही साल होने वाले आम चुनाव में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते थे? और इस्तीफा देने के बाद रूमर यह फैलाया गया कि बाबा साहब अंबेडकर अपने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दिया है, ऐसा बाबा साहब अंबेडकर के बारे में रूमर फैलाया गया था। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 10 अक्टूबर को इस बात को कहा था कि उन्होंने स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा नहीं दिया है, बल्कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट उनके लिए था सोशल चेंज, और जो हिंदू कोड बिल के माध्यम से वो सोशल चेंज लाना चाहते थे तो वो सोशल चेंज वो नहीं ला सके और जो हिंदू कोड बिल जो है वो पास नहीं हो सका और उसको रोक दिया गया, उसकी वजह से मैंने इस्तीफा दिया है। तो जिस आरएसएस और जनसंघ की वजह से जो उस बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे इम्पॉर्टेंट बिल को रोक दिया गया और उसी महीने में फिर जो इलेक्शन हुआ तो उस महीने में क्या बाबा साहब अम्बेडकर जनसंघ के साथ ट्रिपल अलायंस करेंगे? यानी आरएसएस का दूसरा दावा भी बेबुनियाद है। आरएसएस का तीसरा झूठ। आरएसएस के प्रचारक दत्तोपंत ठेंगड़ी को बाबा साहब ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सचिव बनाया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 17 पार्ट 2 के पेज नंबर 459 पर शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संविधान में बाबा साहब लिखते हैं, अनुसूचित जाति का कोई भी व्यक्ति जो किसी अन्य राजनीतिक पार्टी या सामाजिक धार्मिक संगठन का हिस्सा नहीं है, जिसका उद्देश्य फेडरेशन की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मान्य नहीं है, जिस व्यक्ति ने सदस्य बनने के लिए इनकार नहीं किया है और जो फेडरेशन का संविधान मानने के लिए तैयार है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सदस्य बन सकता है। यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के संविधान के मुताबिक सदस्य बनने के लिए अनुसूचित जाति का होना जरूरी था और साथ ही आप किसी और संगठन के सदस्य भी नहीं हो सकते थे। लेकिन दत्तोपंत ठेंगड़ी जाति से ब्राह्मण थे और साथ ही वो भारतीय मजदूर संघ और स्वदेशी जागरण मंच के संस्थापक भी थे। ऐसे में भला पार्टी के संविधान के खिलाफ बाबा साहब उन्हें शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सचिव कैसे बना सकते थे? आप देखेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके सामने ये आएगी कि बाबा साहब अंबेडकर ने जब 1942 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का बड़ा सम्मेलन, देश भर के डेलीगेट्स का सम्मेलन नागपुर के कस्तूरचंद मैदान पर लिया था 1942 में, तो उसमें बाबा साहब अंबेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। उस कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है कि जो व्यक्ति शेड्यूल कास्ट का नहीं है वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मेंबर नहीं बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि ठेंगड़ी ब्राह्मण थे, शेड्यूल कास्ट के नहीं थे, वर्धा के थे, महाराष्ट्र में नागपुर के पास एक वर्धा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के थे। तो उनका ये कहना है कि बाबा साहब ने उनको बनाया था, बट बाबा साहब अम्बेडकर ने जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उसमें उन्होंने बाबा साहब ने खुद लिखा हुआ है कि जो शेड्यूल कास्ट का नहीं है वो उसका मेंबर नहीं बन सकता, क्योंकि उस समय उनका पार्टी का मुख्य लक्ष्य शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ही था। और फिर आप दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि जो व्यक्ति दूसरे संगठन का मेंबर है वो भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का मेंबर नहीं बन सकता। तो ठेंगड़ी आरएसएस के मेंबर थे और 1954 में ठेंगड़ी ने दूसरी एक भारतीय मजदूर संघ नाम का एक संगठन भी बनाया। यानी ठेंगड़ी को शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का सचिव बनाने का संघ का दावा भी झूठ के सिवा कुछ नहीं है। इसी तरह दत्तोपंत ठेंगड़ी के 1954 के भंडारा उपचुनाव में बाबा साहब का इलेक्शन एजेंट होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिलता।
आरएसएस बिना किसी सबूत या रेफरेंस के सिर्फ झूठ फैला रहा है। आरएसएस का चौथा झूठ। 1953 में बाबा साहब ने कहा कि आरएसएस को अपने काम में तेजी लानी चाहिए क्योंकि आरएसएस जैसे संगठन ही ऊंची और नीची जातियों को साथ ला सकते हैं। बाबा साहब की लिखी किसी भी किताब या भाषण में आरएसएस की तारीफ में एक भी शब्द नहीं मिलता। इसके उलट संविधान सभा की बहस में वो आरएसएस को एक खतरनाक संगठन कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस वॉल्यूम 15 पेज नंबर 560 पर छपी जानकारी के मुताबिक 9 मई 1951 को रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट पर बहस के दौरान बाबा साहब सरदार हुकम सिंह के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या मैं आरएसएस और अकाली दल का जिक्र करूं? उनमें से कुछ संगठन बहुत खतरनाक हैं। हो सकता है कि एक सरकार इन्हें मान्यता दे दे और दूसरी ना दे, ऐसी संभावनाएं हैं। यानी ऐसे में सवाल उठता है कि बाबा साहब जिस आरएसएस को संसद में खड़े होकर बेहद खतरनाक संगठन कहते हैं, उसे वो अपने काम में तेजी लाने के लिए क्यों कहेंगे? यानी संघ का ये दावा भी झूठा है। आरएसएस का पांचवा झूठ। 1949 में आरएसएस के दूसरे चीफ एमएस गोलवलकर दिल्ली में बाबा साहब से मिले और आरएसएस पर लगे बैन को हटाने पर बात की। आरएसएस के अरुण आनंद ने ये तो बता दिया कि बाबा साहब और गोलवलकर की मुलाकात हुई, लेकिन जिस मुद्दे पर दोनों की चर्चा हुई उससे वो गोल कर गए। हम हवा में बातें नहीं कर रहे, आपको सबूत दिखाते हैं। ये हैं सोहनलाल शास्त्री। इन्होंने बाबा साहब के साथ कुल 25 साल बिताए और बाद में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संपर्क में 25 वर्ष नाम से अपने अनुभवों पर किताब प्रकाशित की। सोहनलाल उस मुलाकात के बारे में पेज नंबर 55 पर लिखते हैं, उन्हीं दिनों गुरु गोलवलकर भी बाबा साहब के पास आए थे। उनकी दसों उंगलियों में नाना प्रकार की पाषाण जड़ित सुनहरी अंगूठियां थी, मैंने अपनी आंखों से देखी। बाबा साहब ने कहा कि ये कोई धनी व्यक्ति नहीं है, लेकिन सोने की हीरे जड़ित अंगूठियां इसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के गुरु दक्षिणा पूजा के अवसर पर दक्षिणा में मिली हैं। देखिए, इस देश के पोप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि दसों उंगलियों में दसियों प्रकार की अंगूठियां पहने हुए हैं। ऐसे गुरु जिस देश में होंगे उसका कभी कल्याण नहीं हो सकता। सदाशिव गुरु गोलवलकर बाबा साहब से मराठी में बातें करते रहे, जिन्हें मैं बहुत कम समझ पाया था क्योंकि मैं मराठी नहीं जानता था, लेकिन बातचीत का भावार्थ यही था कि मराठों का मुकाबला करने के लिए बाकी जातियों का संगठन भी होना चाहिए, नहीं तो इन्होंने आज ब्राह्मणों पर अत्याचार ढाया है और कल अछूतों पर अत्याचार करेंगे। मराठों की बहुसंख्या गिनती और भूस्वामित्व बल सब नॉन मराठों को समाप्त कर देगा। मैं इसका उपाय करने के लिए आपके पास आया हूँ। बाबा साहब ने आरएसएस के उस नेता को कहा कि तुम चित पावन ब्राह्मण हो, तुम्हारे पुरखा पेशवा जिनके हाथ में देश के प्रशासन की बागडोर रही, उनका सलूक हम अछूतों के साथ कैसा था? तुम्हारे पेशवा महाराजाओं ने तो पूना में अछूतों के गले में मिट्टी की हंडिया बांधने और कमर पर झाड़ू बांधकर सड़कों पर चलने का आदेश दे रखा था, ताकि अछूत थूके तो उस मिट्टी की हंडिया में ही थूके, कदाचित उनके थूक से मार्ग भ्रष्ट न हो जाए। और कमर में झाड़ू बांधने के आदेश इस कारण दिए थे ताकि अछूतों के पैरों के निशान मिटते चले जाएं और उनके पद चिन्हों पर चलकर कोई सवर्ण हिंदू विशेषतः ब्राह्मण भ्रष्ट न हो जाए। तुम्हारा ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ब्राह्मणों का ही संगठन है, इसमें न तो महाराजूत हैं और न ही मराठे। अभी तो अपने पुरखों के पहले बोए विश्व वृक्ष का फल चख रहे हो, अब तुमने एक और सांप्रदायिक विश्व वृक्ष बोना आरंभ कर दिया है। इसका भी बहुत बुरा प्रभाव निकलेगा। तुम संघ बनाते हो तो बनाओ, किंतु जात पात मिटाने, वर्ण व्यवस्था का नाश करने के लिए संगठन बनाओ। अब पिछली भूल को सुधारो, ऐसे में संगठन पुनः ब्राह्मण चित्पावन राज कायम नहीं कर सकेंगे। ये सारी बातें बाबा साहब ने हमें गोलवलकर के चले जाने के बाद हिंदुस्तानी में बताई थी। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि कैसे आरएसएस ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में माहिर है। यानी आरएसएस का पांचवा दावा भी निराधार है। आरएसएस का छठा झूठ। 1935 में बाबा साहब ने पुणे में आरएसएस की शाखा का दौरा किया और आरएसएस के काम को सराहा। साथ ही 1939 में बाबा साहब ने पाया कि संघ में कोई छुआछूत नहीं है। अगर आरएसएस में सभी जातियों का सम्मान होता है तो क्या संघ ये बता सकता है कि आज तक कोई दलित संघ प्रमुख क्यों नहीं बन पाया? क्यों सिर्फ ब्राह्मण जाति का व्यक्ति ही आज तक संघ प्रमुख की गद्दी पर बैठता आया है?
संघ में दलितों के साथ क्या क्या होता है वो भंवर मेघवंशी अपनी किताब मैं कार सेवक था में विस्तार से बता चुके हैं। आप उन्हीं की जुबानी सुनिए संघ की सच्चाई। आरएसएस का ये दावा है कि वो अस्पृश्यता को नहीं मानता है और उसके यहाँ किसी प्रकार का जातिवाद या जातिगत भेदभाव नहीं होता है। ये तथ्यात्मक रूप से बिल्कुल भी सही बात नहीं है, क्योंकि आरएसएस का पूरा जो ढांचा है उसमें ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं, जो डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में हैं, जो नीति निर्धारण करते हैं, उन सारे पदों पर सरसंघ चालक से लगा करके और अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में जो लोग बैठते हैं वो सबके सब उच्च वर्णीय हिंदू हैं। वहां पर दलितों आदिवासियों के लिए कोई स्थान नहीं है, वो लोग वहां तक पहुंचते ही नहीं है। इसके अलावा उनके जो आनुषांगिक संगठन है उन संगठनों में भी ज्यादातर 90% के शीर्ष पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं वो भी गैर दलित और गैर आदिवासी हैं। तो पूरी तरीके से एक उच्च जातीय सवर्ण हिंदुओं का एक संगठन आरएसएस है, और उसके बावजूद भी अगर उनका ये दावा है कि वो जाति को नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में ही एक प्रश्न चिन्ह लगाने वाला दावा है, क्योंकि आज तक 95 साल के अपने पूरे जीवन काल में आरएसएस ने जाति को मिटाने का कोई अभियान नहीं चलाया, जातिगत छुआछूत के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ा, और जातिगत भेदभाव होता है वहां पर, मैं स्वयं वहां पर रह करके ये भुगत चुका हूं और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे सामने हैं, दर्जनों उदाहरण मैंने वहां देखे हैं। यानी आरएसएस का छठा दावा भी एकदम खोखला है। आरएसएस का सातवां झूठ, डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर ही आरएसएस काम कर रही है। यह किसी से छुपा नहीं है कि आरएसएस का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र को स्थापित करना है, जबकि बाबा साहब हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े विरोधी थे। अपनी किताब पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 358 पर बाबा साहब लिखते हैं, यदि हिंदू राज एक हकीकत बन जाता है तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह इस देश के लिए सबसे बड़ी आपदा होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिंदू क्या कहते हैं, हिंदू धर्म स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के लिए खतरा है, ये लोकतंत्र के लिए असंगत है। हिंदू राज को किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और आरएसएस का कहना था कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, वहीं पर बाबा साहब आपने आठवें राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम में लिखते हैं कि इस देश को अगर कोई हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो हर एक भारतीय ने इसका विरोध करना होगा, और जैसे ही ये देश अगर हिंदू राष्ट्र बनता है ये सबसे खाई में ये देश चला जाएगा, इसलिए हमको हिंदू राष्ट्र इस देश को बनाने से रोकना है। दूसरी तरफ मोहन भागवत जी इस देश में राम राज्य लाने की कोशिश करते हैं, राम राज्य लाने के लिए इस देश में काम कर रहे हैं, और वहीं पर डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपने दूसरी प्रतिज्ञा में कहते हैं कि मैं इस देश में राम को कभी भगवान नहीं मानूंगा और कभी उनकी पूजा नहीं करूंगा। अब मुझे बताओ मोहन जी, बाबा साहब आपके राम को ही इस देश से तड़ीपार कर देते हैं, वो बाबा साहब आपका राम राज्य कैसे ला सकते हैं? यानी बाबा साहब हिंदू राष्ट्र को रोकने की बात करते हैं और आरएसएस उसे स्थापित करने के एजेंडे पर चल रहा है, तो ये किस तरह का संबंध है? बाबा साहब के विचारों से ये कैसा रिश्ता है? यानी आरएसएस का सातवां दावा भी झूठा है। आरएसएस का आठवां झूठ, बाबा साहब के समता सैनिक दल की तर्ज पर हेडगेवार ने आरएसएस बनाया। समता सैनिक दल की स्थापना बाबा साहब ने 24 सितंबर 1924 को की थी, जबकि आरएसएस की स्थापना केबी हेडगेवार ने 27 सितंबर 1925 को की थी। अगर आरएसएस बाबा साहब के विचारों से इतना ज्यादा प्रेरित था तो फिर हेडगेवार खुद समता सैनिक दल में शामिल क्यों नहीं हो गए? उन्हें अलग से आरएसएस बनाने की क्या जरूरत थी? जिस ब्राह्मण धर्म को जिस बुद्ध धर्म ने सबसे ज्यादा प्रहार किया था, डॉक्टर अम्बेडकर ने उसी बुद्ध धर्म को अपनाया। ये बात और है, बताती है हमको कि किस तरह से डॉक्टर अंबेडकर आरएसएस के आइडियोलॉजी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ और आरएसएस के संपूर्ण स्ट्रक्चर के खिलाफ किस तरह से वो खड़े थे। उन्होंने समता सैनिक दल का स्थापना की उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की ताकि आरएसएस जो जिस तरह से केडर बेस्ड
ये करके लोगों को शेड्यूल कास्ट और आदिवासी लोगों को बहका रहा है, उनके बहकावे में ना आकर अपने ही बलबूते पे एक प्रशस्त तरीके से हम अपने चीजों को देखें। इसके लिए डॉक्टर आम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की, रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की। अरुण आनंद ये बताते हैं कि डॉक्टर आम्बेडकर ने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का नाम हटा के रिपब्लिकन पार्टी की। मैं कहूंगी अरुण आनंद, तुम निहायत ही घटिया इंसान हो और तुम्हारी बौद्धिक क्षमता के ऊपर हम ना बोले, जितना ना बोले उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपकी बौद्धिक क्षमता का आपने नजारा दिखाई दिया है, उसका हमको अवगत कराई दिया है। झूठ का कारोबार करने वाले आरएसएस का ये दावा भी फेक न्यूज से ज्यादा कुछ नहीं है। 4 अप्रैल 1938 को बंबई विधानमंडल में भारतीयता पर बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था, मुझे पसंद नहीं है कि कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम पहले भारतीय हैं और हिंदू बाद में या मुसलमान। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं खुलकर कहता हूं कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। मैं नहीं चाहता कि भारतीयों के रूप में हमारी वफादारी किसी भी प्रतिस्पर्धी वफादारी से प्रभावित होनी चाहिए, चाहे वो वफादारी हमारे धर्म से हो, हमारी संस्कृति से हो या हमारी भाषा से। मैं चाहता हूं कि सभी लोग पहले भारतीय हों, अंत में भी भारतीय हों और भारतीय के अलावा कुछ न हों। बाबा साहब जहां भारतीयता को सबसे ऊंचा मानते हैं, वहीं आरएसएस ना ही भारत के संविधान को मानती है और ना ही धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार को। आरएसएस तो 2002 से पहले भारत के तिरंगे झंडे की जगह अपने दफ्तर में भगवा ध्वज फहराता था। 26 जनवरी 2001 को नागपुर के रेशमी बाग स्थित आरएसएस हेडक्वार्टर में घुसकर बाबा मेंढे, रमेश कलंबे और दिलीप चटवानी ने गणतंत्र दिवस पर तिरंगा झंडा फहराने की कोशिश की थी। मामला कोर्ट तक पहुंचा था और जब आरएसएस को लगा कि अब तिरंगे के बहाने उसकी देशभक्ति पर सवाल उठेगा, तो 2002 में पहली बार तिरंगे को सलामी ठोकी गई। आरएसएस ने ही सबसे पहले 27 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को सार्वजनिक तौर पर जलाया था। बाबा साहब अंबेडकर जी, इस देश में जो क्रांति, सामाजिक क्रांति ला रहे थे, उस क्रांति को रोकने के लिए आरएसएस की स्थापना हुई। यहां तक कि बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को निर्माण करके दिया, दूसरे दिन 26 जनवरी 1950 के दूसरे ही दिन यानी 27 जनवरी को दिल्ली में आरएसएस ने संविधान की प्रतों को जलाया। यह आज 2 साल पहले नहीं हुआ, 2018 में यह घटना नहीं घटित हुई पहली बार, यह सबसे पहली बार घटित हुई 1950 में, दूसरे ही दिन आरएसएस ने भारत के संविधान को जलाया था। बाबा साहब जाति के उन्मूलन की बात करते थे, लेकिन आरएसएस जातियां बनाए रखना चाहता है ताकि उसका वर्चस्व बना रहे। बाबा साहब कहते थे कि हिंदुओं को अपने धार्मिक ग्रंथ डायनामाइट लगाकर उड़ा देने चाहिए, लेकिन आरएसएस मनुस्मृति लागू करना चाहता है। बाबा साहब सामाजिक न्याय की बात करते थे, लेकिन संघ एससी एसटी और पिछड़ों को मिले आरक्षण को खत्म करने की वकालत करता है। मोहन भागवत कई बार आरक्षण की समीक्षा की बात कर चुके हैं। यही नहीं, गोलवलकर भी कुछ इसी तरह के विचार अपनी किताब बंच ऑफ थॉट्स में देते हैं। अस्पृश्यता का उपचार की बात करने वाले आरएसएस के गोलवलकर जाति का उपचार नहीं चाहते। वो चालाकी से बंच ऑफ थॉट्स के पेज नंबर 352 और 353 पर लिखते हैं, ये जातिवाद अंग्रेजों के द्वारा पैदा किया हुआ है। हमारा कटु अनुभव है कि अंग्रेजों ने एक वर्ग या जाति को दूसरे के विरुद्ध खड़ा किया था, यथा ब्राह्मण के विरुद्ध अब्राह्मण और बांटो और राजकरों की कुटिल नीति चलाई। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुसूचित जाति के विशेषाधिकार का प्रावधान सन 1950 में हमारे गणतंत्र की स्थापना से मात्र 10 वर्ष के लिए किया था, परंतु इसे निरंतर बढ़ाया जा रहा है। अगर आरक्षण जाति के आधार पर दिया जाएगा तो इससे जातियों में खाई बढ़ेगी। ऐसी कोई जाति नहीं है जिसमें गरीब, जरूरतमंद और कंगाल लोग ना हों। अतः यह उचित होगा कि विशेषाधिकार लोगों की आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाए। अब आपको यहां यह भी देखना चाहिए कि गोलवलकर खुद गलत तथ्य पेश करते हैं। संविधान में सिर्फ वैधानिक आरक्षण यानी विधानसभा और संसद में आरक्षण के प्रावधान की 10 साल पर समीक्षा करने को कहा गया है, लेकिन शिक्षण और नौकरियों में आरक्षण पर कोई समय सीमा नहीं है। यानी संघियों को गलत तथ्य पेश करने की सीख विरासत में मिली है। इसमें तो तमाम बातें ऐसी हैं जो एक तरफ आप संविधान रखेंगे और एक तरफ आप बंच ऑफ थॉट रखेंगे तो आपको वैचारिकी का स्पष्ट अंतर दिख जाएगा कि वे कौन लोग हैं जो एक मनुवादी, फासिस्ट,
सरकार बनाना चाहते हैं, देश बनाना चाहते हैं जो हिंदू राष्ट्र हो, जिसमें जातियां समरसता के साथ रहें। जाति उन्मूलन उनका ध्येय नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अपनी सबसे महत्वपूर्ण विचारकी में जाति का विनाश चाहते हैं, जाति खत्म हो, लेकिन सामाजिक समरसता यानी दक्षिणपंथी आरएसएस क्या चाहता है? जातियों में समरसता हो, जाति उन्मूलन न हो। ऐसे में हर अंबेडकरवादी की यह जिम्मेदारी है कि आरएसएस के झूठ को बेनकाब करें। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब को हाईजैक करने की साजिश में जुटे संघियों का पर्दाफाश हो सके। और हमने इनको पहचानना चाहिए, इनको अंकित करना चाहिए, इनको बात करना चाहिए और हमारे ट्विटर के माध्यम से, हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से इनको इनको बॉयकॉट करके, हर तरह से इनको एक्सपोज करके हमने इनको सबक सिखाना चाहिए। और बाबा साहब अम्बेडकर ने आरएसएस को मोस्ट डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन कहा है। तो दोस्तों, आप इस बात को समझेंगे, इसके ऊपर ये बात को आप पूरे देश भर में बताओगे, लोगों को इसके बारे में जागरूक करोगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें द शूद्र और बेल आइकन दबाना ना भूलें।